अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका शेफ अफजल निजामी। आप देख रहे हैं निजामी स्वीट एंड कुकिंग। और माशाल्लाह बड़े प्यारे आपके कमेंट्स आ रहे हैं और मैं हैरान हूं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। जो भी दुआएं आ रही हैं मेरे लिए, अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे। और ये सारी चीजें जो हैं, ये आप यकीन करें कि मुझे फिर से क्या, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरीके से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने बहुत प्यार कर रहे हैं बहुत। और देखें, मैं भी यही चाहता था, आप जो पहले मुझे देखने वाले लोग हैं, मेरा तरीक़ाकार ही यही था। ठीक है, कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि सर आप बोला कम करें, तो उस वक्त की बातें हैं। मुझे पता है कि जब एक टाइम था तो मेरे साथ जो शेख बैठने वाले थे वो बात को काट दिया करते थे और लोग इतने खफा होते थे कि मैं बता नहीं सकता आपको। बार का अब मौका है और देखें, अगर इतनी बातें नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं चीजें रहने दूं, एक एक नुक्ता जो है उसको छोड़ दूं। जो छोटी छोटी चीजें मेरे जहन में आती हैं और जो इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो मैं क्या छोड़ दूं? अगर मैं छोड़ दूंगा तो आपको नुकसान होगा। नुकसान इस तरह होगा कि अगर मैंने कोई चीज ऐसी छोड़ दी तो मैंने नहीं बताया कि आपने इसको चलाना है, हलाना है, आपने चीनी इस तरह रखनी है, चूल्हा छोटा रखना है, चूल्हे को ज्यादा रखना है, तो मैं समझता हूं कि आपका नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता किसी की दिल जोई हो। वो इतने शौक से अगर वो काम करे तो वो पूरा ना हो और बाद में वो कहे कि क्या हो गया ये, तो वो चीजें मैं नहीं रहने देता। मैंने पहले भी एक दफा एक ब्लॉग में कहा था कि अगर मुझे बाद में भी कोई चीज समझ आ जाए कि यार इस ब्लॉग के अंदर इसके अंदर ये पॉइंट था जो मैं बता नहीं पाया, तो आप यकीन करें मुझे दिल ही दुख होता है, तो मैं नहीं कर सकता। देखें, अगर आपने कोई सीखना है तो आपको ये सुनना पड़ेगा। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल शेफ मैं ये आपको कहता हूं कि आप सुने, ये जिंदगी में आपके काम आएंगे। तो मतलब ये मेरे बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि यार ऐसा करें कि छोटी सी कोई ऐसी चीज बना लें, मैं हाजिर हूं। ठीक है, मेरी अल्लाह पाक ने बनाए मुझे इसलिए है कि मैं आपकी खिदमत करूं। चलें, बस इतना सा ही आज। और आज बहुत प्यारी रेसिपी जो है वो लेके आया हूं। ठीक है, मखंडी हलवा रियल रेसिपी, छोटी छोटी चीजें हैं, तीन चार इसके अंदर चीजें हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपको एक एक चीज जो है वो समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह आप काली बना के आप देखें, मुझे लिखेंगे कॉमर्स के अंदर, सर मैंने मखंडी हलवा बनाया, क्या बात, बहुत मजा आया। ठीक है, तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, अब गौर से सुन ले, क्योंकि आप बार बार कॉमर्स के अंदर लिख रहे हैं सर मेजरिंग जो है वो आप कप के साथ करें, सर मेजरिंग जो है वो पाव के अंदर करें, सर आप मेजरिंग जो है वो फलां चीज। भाई देखें, गूगल आपके पास है, वो एक मेरे चाहने वाले हैं, पता नहीं कौन है, मुझे याद नहीं है, उन्होंने सारा समझाया है, इतना लंबा जो है उन्होंने मैसेज लिखा है कि मेजरिंग का से रिलेटेड जो भी लोग हैं वो इसको पढ़ लें, अल्लाह का वास्ता। उसने सारी सारी चीजें, ग्राम इतने होते हैं, छटांक इतने होते हैं, छटांक के अंदर कितने ग्राम होते हैं और पाव के अंदर कितने ग्राम होते हैं, सारा कुछ समझाया। तो ना समझ में आए गूगल कर लें, तो गूगल में हर चीज बता देते हैं। अब गौर से सुन लें, मखंडी हलवे के लिए आपको एक कप सूजी का काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक कप सूजी है, ये देखें भर के। अच्छा, ये कप जो है ये भी दो किस्म के होते हैं, एक 250 ग्राम का होता है, एक 200 ग्राम का होता है। ये आप 200 ग्राम का हो कप, एक छटांक का हो, आधा पाव का हो, इसको छोड़ दें। आपने एक कप सूजी ले ली। ठीक है, सूजी को छान लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसको साफ कर लिया है, सुथरा कर लिया है। अब गौर से देख लें, एक कप सूजी और दो कप इसके अंदर दूध डालेंगे आप, एक कप और दो कप। देखिए, मैंने पहले इसलिए नहीं भिगोई कि आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, ये दो कप आपका दूध हो गया। और अब मैं क्या करूंगा कि चम्मच की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड पे रख दूंगा। ठीक है, एक कप सूजी, दो कप जो है वो दूध है इसके अंदर। इसको आपने क्या करना है, एक डेढ़ घंटा जो है वो पहले भिगो के रखना है आपने। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ब्लॉग को कट कर दूंगा, लेकिन इसको टाइम जरूर दूंगा मैं, कम से कम इसको मैं कोई आधा घंटा तो जरूर दूंगा मैं। लेकिन ये है कि आपने एक घंटा पहले इसको भिगो के रख लेना है कि आज ये मखंडी हलवा हमने
बनाना है, ठीक है। इसको एक साइड पे कर देते हैं, ये हो गया एक कप सूजी, दो कप दूध, और इसी कप के साथ जो है वो एक कप आपका जिससे आपने दूध मेजरिंग किया है, इसको मैं धो लूंगा, ठीक है, धो के इसको ड्राई कर लूंगा मैं, ठीक है। ये यही कप आप प्याली से करें, अगर ये प्याली है तो एक कप सूजी आपकी और दो कप आपने इसके अंदर दूध डालना है, बात समझ में आ गई। और एक कप अगर सूजी है तो एक ही कप जो है वो चीनी आपकी इसके अंदर जाएगी, और एक कप जो है वो आपका घी, घी अगर देसी डालो तो कमाल हो जाएगा, बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल एक कप सूजी, एक कप चीनी, दो कप दूध, एक कप घी, देसी हो तो बहुत अच्छा है, उसके साथ ये बादाम है, ठीक है, और इसके साथ जो है ये सौगी है, किशमिश है, रेजन है, ठीक है, इसके साथ 5-6 इलायची के दाने हैं मेरे पास, और उसके पास गरी है, उसके बाद ये देखें हसबे जरूरत। मैं ये कभी भी किसी को नहीं कहता कि आपने ये लाजमी डालना है, अल्लाह पाक ने उम्मीद करता हूं कि आपको फुर्सत दी हो तो आपने डाल लीजिएगा, वरना ना डालिएगा, ये बहुत पहले ये मखंडी हलवा होता ही बड़ा मजेदार है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये पिस्ता हो गया, रेजन हो गई आपके पास, और उसके बाद जो है ये गिरी हो गई, और उसके बाद बादाम हो गए, और इलायची हो गई, ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसकी गार्निश के लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा घी इसमें डालूंगा, ठीक है, इसमें डाल के इसके अंदर मैं बादाम, पिस्ता और गिरी जो है इसको रोस्ट कर लूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा चूल्हा जलाते हैं और इसके अंदर हम ये डालेंगे बादाम, रेजन और ये पिस्ता जो है, इसको ना आप कभी भी ना, मेरी बात याद रखें कि पिस्ते को कभी भी आपने ना फ्राई करना है ना इसको कुछ भी करना है, ठीक है। मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि इसकी तमाम अफादियत जो है वो खत्म हो जाती है, तो ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। ये हम इलायची बाद में आपको बताएंगे कि कहाँ पर जाके डालना है, लेकिन ये तीन चीजें रेजन और आलमंड जो है और उसके साथ ये गरी जो है इसको आपने सोते कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, अच्छा सा भून लेना है कि जब आप मखंडी हलवा खाएं तो फिर उसके बाद कमाल हो जाए। अच्छा जी, सबसे पहले हम सौगी डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखें घी जो है ये हल्का सा गर्म है, अब ये फूल के माशाल्लाह डबल हो जाएगी, और जैसे ये फूल जाएगी तो मैं इसको निकाल लूँगा, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद मैंने बादाम डाले हैं और बादाम डाल के भी मैं इसको रोस्ट कर लिए, मैंने इसको भी मैं निकाल लूंगा, ठीक है। ये बादाम और गरी हो गई, सॉरी सौगी और बादाम। अब ये मेरे पास जो खोपरा है इसको भी मैं हल्का सा, जरा सा इसको भूनना नहीं है, इसको जरा सा इसको वो करना है, एक सेकंड मेरे ख्याल 2-3 सेकंड के लिए जो है वो आपने इसको इस तरीके से कर लेना है, ठीक है, करके आपने इसको भी बाहर निकाल लेना है, ठीक है। मैंने निकाल लिया ऊपर से, जिसके अंदर जो है वो मैंने बादाम को रोस्ट किया था। अब मैं क्या करूंगा कि चीनी ये आपके सामने मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, ठीक है। देखें एक कप ये और एक कप ही घी इसके अंदर मैं शामिल करूंगा। अब ये घी देखिएगा, ये घी इसके अंदर चला गया, ठीक है, और ये हमारी अब रेसिपी जो है ये हमारी तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इसका सारा घी जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे, और हल्की आंच के ऊपर हमने चीनी को गलाना है, क्योंकि घी के अंदर जो है ये चीनी मेल्ट होती है, फिर ये कैरेमल की तरफ जाएगी, कैरेमल कलर होगा इसका तो हमें मजा आएगा, ठीक है। ये जो इस प्याली के अंदर घी है ये भी मैं, अच्छा देसी घी हो तो क्या ही बात है, क्या मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि एक पाव का काम है। मैं समझता हूँ कि ये सूजी जो है ये अच्छा, मेजरिंग कप दो होते हैं, एक 250 ग्राम का होता है और एक 200 ग्राम का होता है। हल्की आंच जो है मैंने चूल्हे की कर दी। अब मैं क्या करूँगा इसको कि किसी भी चम्मच की, घर में कोई सा भी चम्मच हो, मेरे पास तो ये चम्मच है, ठीक है, इसी के साथ इसको मेल्ट करूंगा, और जब ये मेल्ट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कैरमल की शक्ल लेके आऊंगा इसकी,
ठीक है, जब ये ब्राउन हो जाएगी तो फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या करना है। हाँ जी, एक चीज आपको दिखाना चाह रहा था मैं कि 5-6 मिनट के बाद हल्का चूल्हा रखना है आपने, दरमियाना चूल्हा। जैसे ही आप चीनी को घी के अंदर पकाएंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीनी जो है ये इकट्ठा होने की कोशिश करेगी, जुड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, आपने आहिस्ता 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 जो है हाथ को चलाते रहना है। ये ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी और वो जो ढेले आपको नजर आ रहे थे आप देखें, वो चीज नहीं आ रही, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ के साथ आपने इसको मेल्ट होने देना है, क्योंकि जैसे जैसे इसको हील लगेगी ये मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद जो है ऑटोमेटिकली ये माशाल्लाह ये ब्राउनिश कलर की तरफ चली जाएगी। कोई इसके अंदर मैं कलर नहीं डालूंगा और कोई चीज इसके अंदर मैं शामिल नहीं करूंगा, ठीक है। अभी मैं ब्राउन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप देखेंगे ये इसका कैरेमल कलर हो चुका है, ठीक है। ये अभी मैंने कैमरा बंद किया था और उसके बाद जो है ये माशाल्लाह कैरेमल कलर जो है ये निकल के आ गया। अब चूल्हे को फिलहाल तो आपने बंद कर देना है और ये मैं जरा सा इसको मिक्स कर लूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी कलर के अंदर जो है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसका वो कलर जो है वो आपने वो नहीं करना, डार्क नहीं करना, ठीक है। चूल्हे को बंद कर दिया। चूल्हा बंद करके आपने हाथ को बचाना है कि आपके ऊपर छींटे ना आ जाए, और आपने इसको क्या करना है कि सारी सूजी जो है दूध वाली सूजी भीगी हुई आपने इसके अंदर शामिल कर देनी, ठीक है। और इसको ये सारी सेट हो गई। अब मैं चूल्हे को फिर हल्का सा जला दूंगा, क्योंकि चीनी ठंडी होके जो है ये कठिन हो जाए। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स कर लूंगा और ये नीचे जुड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर आपके पास नॉन स्टिक हो तो वो बहुत बेटर है, ठीक है, बहुत अच्छा है। ये देखें, अब नीचे से हील लगनी शुरू हो गई और ये नीचे जुड़ने की कोशिश करेगा, और मैं आंच को उतना सही रखूंगा जितना कि मेरे मुझसे ये संभल सके, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है, और मैं भी इसी तरीके से इसको ये डलियां वलियां जो है इसकी, क्योंकि आपको पता है कि अभी इसको मिक्स होना है, और माशाल्लाह ये हलवा बड़ा प्यारा बनेगा, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा इसी तरीके से। लेकिन चूल्हा आपने जारी रखना है, उसकी वजह यह है कि अगर आपने चूल्हा बंद कर दिया तो चीनी इतनी गर्म होती है आपके दूध डालते डालते ये बिल्कुल कठी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से फेंट लूंगा जरा, उसकी वजह यह है कि ये डलियां जो इसकी सूजी की डलियां है ये बिल्कुल खत्म कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, आपने देखा कि ये मैंने चूल्हे को हल्का कर लिया, लेकिन चला इसको किस तरीके से रहा हूं कि ये मिक्स हो जाए, ठीक है। आपने दूध के साथ ये जो सूजी है इसको मिक्स करके एकदम से डाल के आपने इसको फौरन चला देना है, और अगर ये डली बन जाए तो आपने चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर लेना है। डली का मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा, आपकी सूजी जो है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, आपको ये फील होगा कि ये जो सूजी है ये कच्ची है इसके अंदर, ठीक है। मैं भी अभी तक यही कर रहा था, और अच्छे तरीके से इसको अब चूल्हा छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद अब जो है मैं इसको चूल्हे को मैं चला दिया मैंने और हल्का रखा है। अब मैं इसको भून लूंगा घी के अंदर, अब ये भून जाएगा और इंशाल्लाह ये देखें मखंडी हलवा जो है ये आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी देखें इसके अंदर टाइम आ गया है कि मैं इलायची जो है वो इसके अंदर शामिल कर दूं, ठीक है। ये इलायची गई, उसके बाद सौगी जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर दूंगा मैं। थोड़ी सौगी रख लूंगा क्योंकि मैंने गार्निश करनी है इसकी। तो ये बादाम मैंने बाहर निकाल लिए, और उसके बाद ये सौगी जो है ये इसके अंदर शामिल कर दूंगा, और साथ ही ये गरी जो है मैंने रोस्ट करके रखी हुई है ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगा मैं, ठीक है। बेशक आप रोज इसको ना कीजिएगा, हो सकता है आप जब इसके अंदर डाल के इसको जब चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली गर्म घी के अंदर जो है ये ऑटोमेटिकली रोस्ट हो जाएगी, लेकिन तरीकाकार वही होता है कि यहाँ पे ये संभलती नहीं है जब आप इतनी तेज हो जाती है। और ख्याल रखिएगा, देखें मैंने जैसे कैरेमल कलर कैमल कलर जिसे कहते हैं वो कैमल करल कलर जो है वो कैरेमल निकल के आ गया, तो मैंने इसके अंदर जो है वो सूजी डाल दी। इससे आपने अगर तेज कर लिया तो वो काला क्लॉथ की तरफ चला जाएगा, काला हो जाएगा आपका हलवा, तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा। अब मैं जरा सा इसको इसी घी के अंदर जो है वो भूनूंगा, और भून के जो है
वो माशाल्लाह ये देखें, बहुत प्यारा कलर, खूबसूरत कलर जो है वो इसका बन चुका है, बहुत जबरदस्त कलर है इसका। ठीक है, तो ऐसा ही आपने यहाँ पे कारीगरी ये होती है कि आपने सिर्फ अपनी चीनी का ख्याल करना है। चीनी जो है वो आपकी, जैसे आपके कलर आपने चाहा वैसा ही आपका हलवा बन जाएगा। बिल्कुल लाइट कलर चाहते हैं तो आप लाइट कलर के चीनी का डाल दे, जैसे ही वो कलर पकड़ने लगी आपने उसके अंदर जो है वो दूध और सूजी मिला हुआ जो है वो उसके अंदर डाल देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको भून लेना है। ठीक है, अब फिर ये पकना शुरू हो गया है और अब मैं इसको थोड़ा सा और भूनूंगा और भून के जो है वो इसको निकाल लूंगा मैं। अभी एक दफा और दिखाऊंगा जब ये तैयारी पे आएगा तो। अच्छा जी, आपने देखा कि माशाल्लाह ये जो घी जो है इसने छोड़ दिया है और इसकी खुशबू जो है वो भी निकल के आ गई है और उस वक्त का बदस्तूर जो है मैं इसको चलाए जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हलवा जो है ये रेडी हो गया। अब मैं इसको डिश आउट करके इसको खूबसूरती के साथ जो है वो सजा के प्लेट के अंदर या डिश के अंदर मैं इसको सजा के आपको दिखा दूंगा और यहाँ पे चूल्हे को मैं बंद कर देता हूँ। और ये माशाल्लाह मुखंडी हलवा जो है ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा और बहुत ही मज़ेदार ये रेडी हो गया जी। तो आपने देखा कि माशाल्लाह मुखंडी हलवा जो है ये मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया और छोटे छोटे जो भी नुकात थे, जो नुक्ते थे वो मैंने आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इसी तरीके से बनाएंगे, बना के अपने अजीजों में, प्यारों में और अपने हमसायों में इसको जरूर तकसीम करेंगे और प्यार वसूल करेंगे। जिस तरीके से ये मज़ेदार बनेगा, खुशबूदार बनेगा, इतना ही प्यार आपको मिलेगा और प्यार को, मोहब्बत को और इज्जत को समेटिएगा। और चलते चलते एक प्यारा सा शेर कह दूं माँ के लिए है, गोर गोद से गोर तक, गोद से गोर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज एक नया लफ्ज बताती है माँ। जिंदगी के सफर में, गर्दशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। इसके साथ ही अफजल निजामी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।